नमस्कार मु डॉक्टर विश्वजीत नंद यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन आपनको स्वागत करूछु आम यूट्यूब चैनल रे जोथरे आम दर्शक बंधु मानक भिन्न भिन्न टॉपिक रे डिस्कशन करी थाउ। आज आम डिस्कशन करिबा आपनको बारंबार परिसरा लागुचि कि जदि बारंबार परिसरा लागुचि बोली आपन भाबुचंती ताहाले आपन जानि रखंतु जे नॉर्मल गोटे मनीष केते थरो परिसरा जाय। नॉर्मली जदि देखिबा जणे लोक दिन रे 6 रु 8 थरो परिसरा जायथाय एवं नॉर्मली प्रायतः दुईटी परिसरा मध्ये व्यवधान 2 घंटा खंडे हेथाय, किंतु जदि ताटु अधिक थरो आपनकु परिसरा लागुचि ताहाले आमे ताकु इनक्रीज्ड डे टाइम फ्रिक्वेंसी बा दिन रे बारंबार परिसरा लागिबा बोली कहिबा। रातिरे नॉर्मली 60 वर्ष जाए लोकटी दिन रे थरे बा रातिरे थरे निदर उठि परिसरा करिथाय। 60-70 वर्ष मध्य 2 थर परिसरा एवं 70 वर्ष पर 3 थर परिसरा मध्य करबाकु पड़िथाय। एटाकु नॉर्मल बोली आमे भाबु, किंतु जदि पेशेंट सेति पय बदड हेथाय बा तार निद भांगिबा जको ताकु असुविधा होथाय, ताकु निद भांगिला पर आउथरे निद न होथाय, ताहाले आमे तार ट्रीटमेंट बा चिकित्सा करिथाउ। तबे बारंबार परिसरा लागिबार कारण सब कोन हेइ पारे आमे देखिबा जे बारंबार परिसरा लागिबा पय पुरुष मानक क्षेत्र रे कारण कोन हेइ पारे। प्रथम जिनस हला एंजाइटी, जदि किछ जणकर एंजाइटी बा डर प्रवृत्ति रहिला ताहाले बारंबार परिसरा लागि पारे। आपण मानकर मने थिवो परीक्षा समय रे गला बेळकु जो दिन परीक्षा थिवो से दिन सकाळे बारंबार शोष लागिबो एवं परिसरा लागिबो। सेकेंड हला यूरिन इन्फेक्शन जदि हेथाय ताहाले बारंबार परिसरा लागिथाय, किंतु से समय रे बारंबार परिसरा लागिबा सह परिसरा जळापडा मध्ये होइथाय एवं परिसरा रे रक्त मध्ये पडि पारे एवं ता सहित ज्वर मध्ये हेइ पारे। एवं थर्ड कॉज हला पुरुष मान क्षेत्र प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एक ग्रंथि जहाँ मूत्राशय मुख भाग में थाए, सी वयस अनुक्रमे धीरे धीरे वृद्धि पाए तार साइज, तेणुक तार आकार वृद्धि हेले कौन हम से परिसरा रास्ता को ब्लॉक कर, ब्लॉक कले परिसरा संपूर्ण रूपे खाली हो पार नहीं, तेणुक बारंबार परिसरा लगे। तापर है स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा मान मूत्र नली, जोटा ब्लाडर बा मूत्राशय रु जो नली रे आमे परिसरा निष्कासन करिथाउ मूत्र नली, सेटा जदि ब्लॉक थिबो ताहाले मध्ये परिसरा ठीक रे निष्कासन होई परिवनी, ताहाले मध्ये बारंबार परिसरा लागिबो। तापर आउ कोन हला फाइमोसिस। आपण माने जानिथिबे प्राय पुरुष मानकर लिंग रे लिंग उपर गोटे चमड़ा थाए जहाकु प्रिप्यूस बोली आमे कहिथाउ, एवं से प्रिप्यूसटा नॉर्मली आमे रिट्रैक्ट कले बा पछकु टाणिले पछकु पळाए, किंतु केतेक क्षेत्र रे डायबेटिक पेशेंट मानकर हो बा जेनेटिकली तार प्रिप्यूस रा एब्नॉर्मलिटी हो सेटा आगरे पूरा टाण भलिया रही जायथाय, फाइब्रोसिस हेकि सेटा पछकु टाणिले पछकु आसी पारे, तेणु करी से परिसरार फ्लो को अवरोध करे बा रोकी थाए, तेणु करी बारंबार परिसरा लागे। ता सहित किछ जन जो माने स्मोकिंग करंती, स्मोकिंग कले ब्लाडर रे चेंजेस सब डेवलप कले जोटा प्री कैंसर हो पारे, से बारंबार परिसरा लगे। ता संगे परिसरा लगे बहुत जोर लगे, दौटिके जीवा को इच्छा हम टिके डिस्यूरिया हुए। ता छड़ा बहुत गोटे कमन कंडीशन समस्ते जानते जो बारंबार परिसरा लगे आग जाइए निजे टेस्ट करें से डायबेटिस, किंतु डायबेटिस रोगी मानकर जेतोले ब्लड सुगर कंट्रोल नथाय ताहाले मध्ये परिसरा रे ग्लूकोज गुडा सब निष्कासन हबो बारंबार परिसरा लागिबो, एवं लॉन्ग टर्म डायबेटिस बा बहुत दिन धरी डायबेटिस रही गला परे ब्लैडर रे से माने न्यूरोपैथी हुए बा माइक्रो न्यूरोपैथी, छोट छोट नर्व को डैमेज करे ग्लूकोज, सेथि पई तांकर ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाए बहुत समय रे, तेणु करी बारंबार परिसरा लागिबो। एवं ता सहित जदि ब्लैडर रे किछि स्टोन थिबो, किडनी रे स्टोन थिबो, ब्लैडर रे डायबेटिकुलम थिबो, ताहाले मध्ये बारंबार परिसरा लागि पारे। तेणु करी बारंबार जदि आपनकु परिसरा लागुचि ताहाले पुरुष मानन क्षेत्र रे ताहाले आपन कोनोसी यूरोलॉजिस्ट को देखेई आपण डेफिनेटली आपण निजक इवालुएट करनवा उचित, जो जहाँ कारण साधारण एंजाइटी ठू आरंभ कर अधिका पानी पीवा ठू अधिका, जब सपोज जड़े लोक बहुत अधिका पानी पीऊ थे डेफिनेटली से बारंबार परिसरा कर। जदि आम देखा गोटे नॉर्मल मनीषर जदि नॉर्मल वाटर इनटेक रहिबो ताहाले 0.5 to 1 ml पर केजी पर आवर तार यूरिन प्रोडक्शन हबो। जदि गोटे लोकटे बहुत अधिका पानी पीला दिन 8 liter 7 liter पानी पीला ताहाले मध्ये बारंबार परिसरा लागिबो, ताहाले एटा गोटे ट्रिवियल कारण नै कि गोटे कैंसरस कारण मध्ये हेइ पारे। किंतु स्त्री लोक मानक क्षेत्र रे मोस्टली आउ गोटे जिनस एक्स्ट्रा थाए जोटा कि आपण मानकर ए सब कारण यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि जो कारण मुझे कहली से पुरुष स्त्री समस्त सामान रहा, किंतु स्त्री लोक मान प्रोस्टेट न थाए, तेणुक प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट गोटे कज न थाए। जदि यंग लेडीज मान बारंबार परिसरा लगे तो एंजाइटी हो पार, यूरिन इन्फेक्शन हो पार, डायबिटीज हो पार,
ଏବଂ ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁ କାରଣ ଛଡ଼ା ୟୁରେଥ୍ରାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂତ୍ର ନଳୀଟା ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଏ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, ଟିକେ କିଡ଼ନୀର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରେଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁରୋଫ୍ଲୋମେଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ। ଏଇ ଚାରିଟା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ନ କରିଥିବେ। ଏଇ ଚାରିଟା ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ହେଉଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ତାପରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତାପରେ ସିଷ୍ଟୋସ୍କୋପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତାପରେ ଆର୍ଜିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଡିଫର କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାରଣକୁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।